ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ली अमरी वाहलुदान कौली हर किस्म की तारीफ़ हमदोसना किबरियाई और बड़ाई रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला रब है और इसी तरह उसके आखिरी नबी महमदुल्ल वसम पर बेशुरदरदोसम हूँ हमदोसना के बाद मेरे भाइयों और मेरी माँ बहनों आज मैं इनशाला आप लोगों के सामने जन्नत और जन्नती इस इसवान के तहत कुछ बातें कुरान सुन्नत की रोशनी में रखने की कोशिश करूँगा अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अः अल्लाह हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तोफ़ी अता फरमा आमीन या रब मेरे भाइयों हम अक्सर ये सुनते हैं कि हमारी जिंदगी का मकसद अल्लाह की इबादत करना है हम मुसलमान हैं तो हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम लोग इस दुनिया में रहते हुए अल्लाह को राज़ी करें अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें ताकि इसके बदले में हमें जन्नत मिले यानी अल्लाह ताला हम लोगों को इसका बेहतरीन बदला आखिरत में जन्नत की शक्ल में देने वाला है तो इन आज मैं आप लोगों के सामने वो जन्नत कैसी है और उस जन्नत में जाने वाले लोग कैसे होंगे और उस जन्नत में जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा इन शाह ये तमाम चीज़ें आप लोगों के सामने इस मुख्तसर वक्त में रखने की कोशिश करूंगा तो अल्लाह के लिए गौर से सुनना जन्नत हर मुसलमान का हर ईमान वाले के जिंदगी का ये मकसद होना चाहिए कि अल्लाह किसी न किसी तरह तो राजी हो जा और मुझे जन्नत में दाखिल कर इसकी दुआ भी हम हमेशा करते हैं तो देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सही मुस्लिम की ये रिवायत है जन्नत ऐसी चीज़ है और जन्नत में ऐसी ऐसी नेमतें हैं किसी आंख ने आज तक वो चीज़ें ना देखी है और वैसी चीज़ों के ताल्लुक से किसी के दिल में गुमान भी नहीं होगा ऐसी ऐसी चीजें अल्लाह जन्नत में रखा है अल्लाह के लिए गौर करना हम बातों से बयान नहीं कर सकते हम बोल नहीं सकते हम बता नहीं सकते हम देख नहीं सकते बल्कि हम दिमाग से सोच भी नहीं सकते कि जन्नत में यह है जन्नत ऐसी है जन्नत में ऐसी ऐसी नेमतें हैं हम तस्वुर नहीं कर सकते ऐसी चीजें अल्लाह ताला जन्नत में रखा है फिर इसी तरह सही मुस्लिम की एक और हदीस जिसमें अल्लाह के वसल्लम फरमाते हैं देखिए कल खयामत के दिन एक आदमी को अल्लाह लाएंगे, बुलाएंगे वो आदमी जो दुनिया में बहुत ज्यादा मुश्किल बहुत ज्यादा परेशानियां तकलीफें टेंशन बीमारी बहुत ज्यादा यानी दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किल जिंदगी जिसने गुजारा होगा उस आदमी को अल्लाह ताला बुलाएंगे फिर फरिश्तों को हुक्म देंगे कि इसको एक मरतबा एक लम्हे के लिए जन्नत की सैर करा के लाओ जन्नत कैसी है इसे दिखा के लाओ सिर्फ एक लमहे के लिए थोड़ी देर यूं लेके जाओ लेके आओ अल्लाह अकबर अल्लाह के लिए गौर करना जब उसे लेकर गया और फरिश्ते वापस लाए अल्लाह ताला पूछेंगे कि क्या तुझे दुनिया में तेरी जो जिंदगी थी उस जिंदगी के कोई परेशानियां या कोई मुसीबत कोई तकलीफ तेरी दुनिया की जिंदगी कुछ तो भी तुझे याद है तू कैसी जिंदगी गुजार के आया था दुनिया में वो बंदा कहेगा जो एक लमहे के लिए जन्नत में जा के आया वो कहेगा अल्लाह जन्नत में एक लम्हे के लिए मैं जा कर आया तो मैं दुनिया की सरे, सारे सारे परेशानियां भूल गया अल्लाह में दुनिया की कोई तकलीफ कोई टेंशन कोई बीमारी कोई मुसीबत मुझे थी मुझे याद ही नहीं है अल्लाह मैं सब भूल गया सिर्फ जन्नत की एक लम्हे की जिंदगी से दुनिया की सारे परेशानियां वो भूल गया फिर दूसरा आदमी लाया जाएगा जो दुनिया में ऐशो आराम की जिंदगी गुजारा खुशी से मालदार हर वो चीज हर ख्वाहिश पूरी करके गया दुनिया में अल्लाह ताला उसे भी कहेंगे फरिश्तों से कि इसको लेके जाओ जहन्नम का एक लम्हा जहन्नम में एक लम्हे के लिए लेके जाओ लेके आओ जब उसे भी लेके गया फरिश्ते लेके गए वापस लेके आए अल्लाह ताला पूछेंगे कि क्या तुझे याद है दुनिया की जिंदगी वो बोलेगा अल्लाह एक लम्हे की जहन्नम की जिंदगी मेरे दुनिया के सारे सुकून सारे चैन सारे खुशियों को भुला दी अल्लाह मुझे याद ही नहीं है कि मैं कभी दुनिया में खुश भी था सिर्फ एक लम्हा मेरे भाइयों इस हदीस से क्या मालूम होता है हमें असल चीज ये दुनिया नहीं है हालांकि जो हम समझ बैठे यही असल है हम क्या समझे कि दुनिया में ही खुशी दुनिया में ही इज्जत दुनिया में ही ऐशो आराम दुनिया में नाचना कूदना खुशियां पूरे दुनिया में मना लेंगे भाई अरे ये साठ सत्तर या सौ साल की तुम्हें जो जिंदगी नसीब होगी अगर ये सौ साल भी तुम अपनी मनमानी करके जाओगे जहन्न में एक लम्हे के लिए अल्लाह निकाल के लेके आएगा डाल के जहन्नम में एक लम्हा तुम्हारी सौ साल की पूरी खुशियां तुम भूल जाओगे कोई माने नहीं रखती है दुनिया की जिंदगी याद रखो लेकिन वही जन्नत दुनिया में जितनी चाहे मुश्किल जिंदगी गुजारो जन्नत का एक लम्हा दुनिया के तमाम मुश्किलों को भुला देगा अल्लाह के लिए गौर करना यह है जन्नत तो एक मुसलमान को इस दुनिया से ज्यादा फिक्र उस जन्नत में जाने की होनी चाहिए उस जन्नत को हासिल करने के लिए वो कोशिश करना मेहनत करना लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम उसके लिए कोशिश नहीं करते जितनी कोशिश हम इस दुनिया के लिए करते ना उतनी कोशिश हम जन्नत के लिए नहीं करते हम आखिरत की फिक्र नहीं रखते यह है सबसे बड़ा मसला अल्लाह के लिए गौर करना आइए सुनिए गौर कीजिए तस्वुर कीजिए जन्नत कैसी है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तिर्मिजी की यह रिवायत है कल खयामत का दिन होगा जिस दिन सबका हिसाब किताब खत्म हो जाएगा जन्नती लोगों को अल्लाह ताला जन्नत में भेज देंगे जहन्नमियों को जहन्नम में भेज देंगे उस वक्त मेंढे को मेंढे की शक्ल में जन्नतियों की और जहन्नमियों की मौत को अल्लाह ताला लाएगा फिर जन्नत और जहन्नम के दरमियान में उस मेंढे को जुबा कर देगा मतलब सब लोगों की मौत को ही जुबा कर दिया जाएगा अब ना जन्नती को कभी मौत आने वाली है ना जहन्नमी को कभी मौत आने वाली है जन्नत में भी चले गए तो हमेशा की जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह जहन्नम में भी चले गए तो फिर हमेशा का आजाब है मेरे भाइयों याद रखना इसलिए उस जन्नत में जाने की कोशिश और मेहनत करनी चाहिए फिर सही मुस्लिम की रिवायत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जन्नत कैसी चीज़ है जन्नत के सौ दर्जे हैं जन्नत के सौ दर्जे हैं और एक दर्जे के और दूसरे दर्जे के दरमियान जो फासला है कैसा है मालूम है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक आदमी जिसको जन्नत में जगह मिली वो वहां से अपने से ऊपर वाले लोगों को जब देखेगा तो ऐसा नजर आएगा ऊपर आसमान में कोई सितारा नजर आता आज जैसे हम देखते ना आसमान में तारे देखते ना सितारे देखते ना वैसे जन्नत में जाने के बाद नीचे वाला नीचे दर्जे वाला आदमी अपने से ऊपर वाले को देखेगा तो उसको सितारे की तरह नजर आएगा फिर वहां बैठा हुआ आदमी अपने से ऊपर देखेगा तो उसको उतनी दूर सितारों की तरह नजर आएगी उसकी मंजिल याद रखना मेरे भाइयों आज हम ख्वाहिहिश करते ना क्या ख्वाहिश क्या जी कैसा घर बनाए देखो हमारे ख्वाहिश देखो पहले तो किसी को घर नहीं है अगर किसी को किराए का मकान है तो उसके बाद किसी को कम से कम टीन का मकान है किसी को फिर कवेली का है तो किसी को स्लाब है अब स्लाब है तो फिर उसको क्या है नहीं मेरे को अब जी प्लस वन होना जिसको जी प्लस वन है उसकी ख्वाहिश जी प्लस टू होना है ना एक को देख के ख्वाहिश बढ़ती है अरे मेरे को पांच मंजिल की मंजिल बिल्डिंग देखे तो बहुत खुशी हुई भाई क्या जबरदस्त बनाया उन्हें मालूम है हाँ फिर दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग अरे उन्हें दुबई में बनाया कहते भाई कम अज कम उसमें बिल्डिंग तो दूर उसको एक बार देख के आए तो बस है ख्वाहिश मेरी पूरी हो जाती कितना अरे सौ मंजिल की एक सौ साठ मंजिल की बिल्डिंग कहते मालूम है उसको देख के आए सुने तारीफ कर लेता मैं देखा मालूम है इतनी बड़ी बिल्डिंग क्या समझा मैं नजदीक जाके देखा बोल के तारीफ करता अरे ये तो दुनिया की बिल्डिंग है तुम्हें अल्लाह ताला जन्नत में ऐसी बिल्डिंग देने वाला है जो सौ मंजिल के डेढ़ सौ मंजिल के नहीं एक मंजिल पे ठहर के देखे तो दूसरी मंजिल आसमान की सितारे की उतनी दूर नजर आती है ऐसी मंजिल ऐसी बिल्डिंग है ऐसे घर अल्लाह ताला देने के लिए तैयार है मेरे भाईयो सवाल ये है क्या हम लेने के लिए तैयार है क्या हम उसमें जाने के लिए तैयार हैं यह है असल सवाल मेरे भाइयों अपने आप से सवाल करना चलिए बात को आगे बढ़ाते हुए कुरान की कुछ आयतों पर गौर करेंगे अल्लाह ताला कुरान में जन्नत के ताल्लुक से क्या कहते हैं देखिए सुर कहफ आयत नंबर 30 अल्लाह ताला फरमाते हैं तर्जुमा क्या है इस आयत का अल्लाह ताला फरमाते हैं यकीनन जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करें तो हम किसी नेक अमल करने वाले के सवाब को जाया नहीं करते जन्नत में जाना बोले तो क्या करना अल्लाह ताला इस आयत में जवाब दे दिए जो भी ईमान लाया और नेक अमल किया

फर्जुमा क्या है शायद का अल्लाह तरमाते है उस जन्नत की सिफत जिसका परहेजगरों से वादा किया गया है ये है कि इसमें पानी की नहरें हैं जो बदबू करने वाला नहीं दूध की नहरें हैं जिनका मजा नहीं बदला शराब की नहरें हैं जिनमें पीने वालों के लिए बड़ी लज्जत है और शहद की नहरें हैं जो बहुत साफ है अल्लाह के लिए गौर करना इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं जन्नत जो मुतियों के लिए अल्लाह ताला ने बनाया यानी अल्लाह से डरने वालों के लिए अल्लाह ताला जो जन्नत बनाया उस जन्नत के नीचे नहरे हैं मतलब क्या है इसका देखिए हम भी कभी सैर और तफरी के लिए जाते हैं घूमने के लिए चले जाते हैं कभी नदी के किनारे समंदर के किनारे अरे कैसा पानी जा रहा भाई कितना पानी जा रहा हमारे दिल को सुकून होता लेकिन अल्लाह ताला जन्नत कैसी बनाया मालूम है हमारे जन्नत के महल उसके नीचे से नहरें जाती अल्लाह नीचे से नहरें जाती और कौन कौन सी नहरें जाती अल्लाह ताला ताला फरमाते हैं पानी की नहरें दूध की नहरें शहद की नहरें शराब की नहरें नहर नहीं एक नहीं होता नहरें ऐसी कई चीजें हैं अल्लाह अकबर एक नहीं एक से ज्यादा नहरें, आज पानी के लिए हम तरसते हैं पानी तो क्या दूध के लिए कितना तरसते भाई सुबह उठते क्या करना लाइन लगना पड़ता पहले से बोल के रखना पड़ता ईद के दिन भी दूध नहीं मिल रहा आज हमारे को इतने परेशान अगर मिलता भी है तो प्योर नहीं मिलता है कि नहीं ये दूध के लिए हम दुनिया में इतना मेरी जन्नत में आ जाओ। दूद दूद की नहरें दूंगा रहे आज प्यूर होना, प्यूर होना। तो भी प्यूर नहीं मिलता गारंटी नहीं है अल्लाह ताला फरमाते हैं शहद दुनिया में नहीं मिल रहा ना आओ मेरी जन्नत में मैं तुम्हें शहद नहीं शहद की नहरें दूंगा अल्लाह अकबर शराब 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 की भी नहरें दूंगा लेकिन वो शराब तुम्हारी दुनिया की शराब की तरह नहीं होगी शराब पीने के बाद बेहोश हो गए शराब पीने के बाद होश में नहीं है कुत्ते मुंह चाट रहे घूड़ पे सो गया गेटर में गिर गया बेहोश है ऐसी शहर ऐसी शराब गंदी शराब नहीं है अल्लाह तला देगा वो शराब पियोगे लज्जत ही लज्जत होगी ऐसी शराब की नहरें दूंगा मैं आओ मेरी जन्नत में ला अकबर मेरे भाइयों अल्लाह ताला हमारे लिए ये सब चीजें मना के रखा क्या हम तैयार है उस जन्नत में जाने के लिए ये अपने आप से सवाल करना फिर उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं कुलू वश्रबू बिमा मुत्तकीन अला क्या है इस आयत का बदले जो तुम करते थे जन्नत में जाने के बाद अल्लाह ताला जन्नतियों को बोल रहे अन्नतियों अब मजे से खाओ इस जन्नत में खाते पीते रहो किसके बदले जो तुम दुनिया में आमाल करते थे ना दुनिया में नेक आमाल करके आए ना दुनिया में बुराइयों से गुनाहों से बच के आए ना उसके बदले में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम मजे से खाते पीते रहो अब ये आयत से क्या बात मालूम ही मालूम है जन्नत में जाने के बाद क्या काम रहता जी याद है आपको जन्नत में जाने के बाद क्या काम होता कुछ काम करना पड़ता जैसा कि दुनिया है हमको दुनिया में मेहनत करना पड़ता बीवी बच्चों को पालने के लिए हाँ बाहर मेहनत मजदूरी करना पड़ता पसीना टपकाना गर्मी में काम करना सर्दी में काम करना पैसे जमाओ घर बनाओ इतनी टेंशन इतनी मुश्किल इतनी तकलीफ अरे ये दुनिया है ये सब चीजें यहां पर है लेकिन जन्नत में जाने के बाद एक काम सिर्फ खाना जन्नत में जाने के बाद खाना ही है सिर्फ खाना ही है ऐशो आराम की जिंदगी गुजारना कोई तकलीफ नहीं वहां पर यह आयत में अल्लाह तला फरमाते हैं तुम खाते पीते मजे करो सिर्फ जन्नत में आ गए ना खाओ पियो मजे करो उसके अलावा तुम्हें कोई काम नहीं होगा वहां पर अल्लाह के लिए गौर करना यहां पर इंसान क्या जी अपनी मर्जी के मुताबिक खा सकता है जी अपनी मर्जी से खा सकता है क्या हम सब अपनी मर्जी से खाते हैं जितना खाना दिल बोल रहा उतना खाते क्या हाँ भाई मेरे को बिरयानी खाना दिल बोला हमारे घर में बनाया, खा लिया। उसके बाद और कहीं पर चले गया वहां पर मंडी है और बोल रहा ठीक है और तो कुछ तो भी स्पेशल तलावा मिला भुने से और कुछ तो भी मिला मच्छी फ्राई मिला और कुछ तो भी मिल गया और थोड़ा खाना दिल बोला नहीं भैया अब बिच खा के आया आप जगह से नहीं है खाने के लिए अरे खाने के दस आइटम सामने है खा सकते क्या नहीं खा सकते अच्छा खाए तो भी कितना खाते क्या खाते खाए तो भी सिर्फ उतना खाते जितना यहां जुबान पे रखे तो ये छे इंच का सफर जुबान कितना बहुत बोले तो छः इंच यहां रखे यहां तक चले गया मजा खत्म इसके नीचे जाने के बाद टेस्ट आता जी गौर करो आप टेस्ट कहां तक है सिर्फ यहां से यहां तक छे इंच का सफर वो पार हो गया बोले तो मजा खत्म सुबह खाए सो मजा दोपहर तक नहीं रहता सिर्फ इतना सफर पार कर लिया तो मजा खत्म लेकिन अल्लाह तला बोल रहे जन्नत में मजे को खाएंगे आप जन्नत में मजे को खाएंगे मजे से खाएंगे जितना चाहे उतना यहाँ पर सोच सोच के समझ समझ के देख देख के खाए तो भी बीपी शुगर क्या क्या आते आज यहाँ है ना अरे ये नहीं खाना कहते वो नहीं खाना कहते इतना सोच के खाता फिर भी बीमारियां लेकिन अल्लाह ताला बोल रहे आ मेरी जन्नत में आओ मेरी जन्नत में मजे से खाते रहे मजे से पीते रहे तुझे कोई बीमारी नहीं होगी कोई तकलीफ नहीं होगी कोई टेंशन नहीं रहेगी फिर अल्लाह तला आगे क्या फरमाते हैं बराबर बराबर तुझे शानदार तख्ते पर तकिये लगाए हुए और हमने अल्लाह अकबर जन्नतियों के लिए अल्लाह तला का ऐसे इंतजाम कर दिया कि खाओ पियो शानदार गद्दियों पर बैठ के तकिए लगा के आराम करते हुए सिर्फ खाते रहो खाते रहो खाते रहो जी नरम गद्दों पर तकिए लगा के आराम से फिर अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं हमने उनके निकाह बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों से करा देंगे कौन कौन कर रहे निकाह अल्लाह ताला फरमाते हैं इस आयत में हम करेंगे तुम्हारा निकाह, हम निकाह करा देंगे किन से जन्नत की हूरों से करा देंगे आपका अकबर हाँ निकाह बहुत बड़ी ख्वाहिश सोच सोच रहे होंगे बैठे बैठे अल्लाह मैं भी जन्नत में गए तो कितना अच्छा रहता नहीं नरम नरम गद्दियों पर तकिए लगा के अल्लाह तला शादी कराता कहते हाँ कराता भाई जरूर अल्लाह का वादा है कुरान में अल्लाह तला कुछ भी काम नहीं आप निकाह करो बीवी के साथ मजा खाने पीने का मजा उसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं है लोह अकबर सोच के देखो दुनिया में शादी करना वाले तो अरे मैं ऐसी शादी कर तो मालूम है पूरे याद करना महल्ले वाले सब देखना डी जे लगातू ये लगातू वो लगातू ऐसा स्टेज सजातूँ इतम को बुलाता हूँ इतने बकरे काटता हूँ अरे दुनिया में तुम कितना भी काटो कितना भी खिलाओ भाई लेकिन तु, याद रखो तुम जो यहां पर शान चाहते हैं यहां पर इज्जत चाहते हैं यहां पर कितना खर्च करोगे क्या मिलेगा अल्लाह तला का वादा है मैं कराऊंगा तुम्हारा निकाह जन्नत की हूरों से कराऊंगा अल्लाह जिसका निकाह करा दे उसकी खुशी का क्या इन, क्या इंतहा रहेगी अल्लाह के लिए गौर करना फिर अल्लाह फरमाते हैं जन्नत के अमदद ना हम बिफा की मिम्मा वाल हम इनके लिए हम इनके लिए मेवे और मरगूब मरगूब गोश्त की रेल पेल कर देंगे हाँ क्या खाना है वहां पर क्या मिलता नहीं भाई यहाँ दुनिया है कितना कमाए तो जितना नसीब में हो मिलता किसी को मोटे चावल का खाना तो किसी को बारीक चावल तो किसी को हफ्ते में एक मरतबा गोश्त तो किसी को दो मरतबा किसी को डेली एक टेम अल्लाह ताला फरमाते हैं आओ मेरी जन्नत में आओ मेरी जन्नत में तुम जो मांगोगे जितना मांगोगे उतना खिलाऊंगा अल्लाह तला फरमाते है गोश्त मरगूब गोश्त की रेल पेल लगा दूंगा कौन सा गोश्त खाना चाहते हैं मछी खाना दिल बोल रहा मुर्गी खाना दिल बोल रहा खाली दिल में ऐसा बैठे बैठे जन्नत में जाके अल्लाह चिकन सिक्सटी फाइव ऐसा दिल में आते चला सामने रख देते मालूम है नाइनटी फाइव खाली दिमाग में ख्याल आना अल्लाह सामने रख देते क्या खाना चाहते वो चीज़ अल्लाह अकबर ये जन्नत है मेरे भाइयों मजाक नहीं अल्लाह के लिए गौर करना अल्लाह तला कुरान में फरमाते हैं मरगूद गोश अल्लाह तला खिलाएगा जन्नत में फिर इसी तरह फिर इसी तरह अल्लाह फरमाते हैं फी हिन् अकबर हाँ जन्नत में जो तुम्हारी शादी होगी जन्नतियों की जो शादी होगी अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कैसी औरतें हैं वहां पर वहां शर्मीली नीची निगाह वाली हूरे हैं जिन्हें इनसे पहले किसी जिन ने या किसी इंसान ने हाथ तक नहीं लगाया होगा अल्लाह अकबर शादी किससे होती जी जन्नत में अल्लाह किस से शादी कराता औरतें ने हाँ अगर नेक औरत दुनिया की बीवी भी, भी है तो क्या करता अब वो औरत भी खयामत के दिन अगर वो भी जन्नत में गई तो अल्लाह ताला उसे नए सिरे से पैदा करता यह मत सोचो अल्लाह इसके साथ दुनिया में पचास साठ साल जिंदगी गुजार के सर में दर्द हुआ ये चौरस से और तो अल्लाह जन्नत में भी शादी कराया तो वो एक सर में दर्द मेरे को हूरी छोना नहीं ये औरत को भी अल्लाह ताला नए सिरे से पैदा करता लाह अकबर फिर हूरों से अलग हदीस में अल्फाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक जन्नती को दुनिया की दो औरतों से शादी एक मर्द को दुनिया की दो औरतों से शादी हाफिज इब्ने कसीर हाफिजी अलैहि कसी फरमाते हैं ये तो दुनिया की औरतें हैं जो दो दो से शादी होगी दो औरतों से उसके अलावा हूरों से जो अल्लाह शादी कराएगा वो अलग है वो कितनी भी हो सकती है अपने अपने नेक आमाल के मुताबिक खूरों से अलग शादी जितनी नेकियां हैं उतनी ज्यादा शादियां होना कि नहीं होना जी ख्वाश नहीं है हाँ ये दुनिया की औरतों के पीछे भागते ये गंदी औरतों के पीछे भागते वो नाचने गाने वाली आउरत, वो पर्दे पे आती हजार आदमियां सऊ की आदमी के फेंक देते उसे उसको देख के बट वो देखते हुए रहता फिल्म उसके उसके तस्वीर उसके इमेजा उन्हें अच्छी है उन्हें छोना उसके जैसी छोना उस कुछ कर ले तो उसके जैसी कुछ कर ले तो अरे क्या है मियाँ ये गंदी और अच्छा यहां पर अल्लाह तला क्या फरमाते औरत की सिफत बता रहे जन्नती औरत कैसी होगी शर्मी मीली नीचे निगाहों वाली कभी वो किसी गैर मर्द को नहीं देखी ऐसी औरत से तुम्हारा निकाह कर देता अल्लाह ताला अल्लाह हु अकबर और वो ऐसी औरत है जिसे आज तक किसी इंसान या किसी जिन टच भी नहीं करा छुआ भी नहीं तुम्हारे लिए पैदा किया अल्लाह अगर तुम जन्नती बनोगे अल्लाह वो तुम्हारे लिए जो औरत को रखा ना वो औरत को दुनिया का दूसरा कोई मर्द या कोई जिन्नों में से उसे टच भी नहीं किया छुआ भी नहीं ऐसी औरतों को अल्लाह ताला ने अल्लाह के लिए गौर करना जन्नत में हमारे लिए हमारे निकाहे देने के लिए ऐसी औरतों को पैदा करके रखा अये मुसलमानों अल्लाह के लिए गौर करना अल्लाह ताला ये नेमतें हमारे लिए रखा इसको छोड़ के ये दुनिया की गंदी औरतों के पीछे भागते हो शादी के अलावा अफेयर करते हो शादी से पहले अफेयर्स करते हो और इनके साथ जिनाकारी बदकारी करते हुए अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहे हो अल्लाह के लिए गौर करना अगर अपने ख्वाहिशात को कंट्रोल कर लेते अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारते हुए तुम्हें जो हलाल तरीके से बीवी मिली उसी एक बीवी के साथ अगर दुनिया में जिंदगी गुजारे अल्लाह ने ताकत दिया एक नहीं चार करो लेकिन हलाल तरीके से हराम की तरफ अगर नहीं जाओगे अल्लाह जन्नत में तुम्हारे लिए ऐसी हूरों को रखा ऐसी हूरों को रखा जिसको आज किसी जिन्ने या किसी इंसान ने छुआ तक नहीं अल्लाह के लिए गौर करना फिर अल्लाह ताला खुद शादी करा देगा फिर इसी तरह अल्लाह ताला, ताला फरमाते हैं कि ये जन्नत के ताल्लुक से कुरानी आयत हम सुनने के बाद आइए कुछ और हदीसें जिस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया ये भी सुनते चले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सही मुस्लिम की रिवायत जन्नत में जाने के बाद जन्नती की हाइट कितनी होती मालूम है जन्नती कितना लंबा होता हमारे जैसे ऐसे नहीं चार फीट पांच फीट फीट के नहीं रहेंगे हमारे बाप आदम आदमी नब्बे नब्बे फीट नाइनटी फीट, फीट। अल्लाह ताला हर जन्नति को वही हाइट से पैदा करेगा लाहौ अकबर इतने लंबे लंबे होंगे ऐसी हाइट फिर उम्र क्या होगी जन्नत में जाने के बाद किसी की उम्र ज्यादा किसी की उम्र कम नहीं होती एक ही उम्र बुढ़ापा है ही नहीं वहां पर अल्लाह के रसूल इकतीस साल की उम्र होती बाद सफेद आए बोल के कलर मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती वहां पर समझ रहे हमेशा जवान रहेंगे अल्लाह के लिए गौर करना फिर इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लाह फरमाते हैं तिरवी की रिवायत है जन्नत के जो महल्लात होंगे उसको अल्लाह ताला उसके एक ईंट चांदी की और उसकी एक ईंट सोने की होगी अल्लाह अकबर जन्नत का महल एक ईंट सोने का एक ईंट चांदी का फिर इसी तरह क्या है वहां पर कभी तकलीफ नहीं होगी किसी को हमेशा जवान रहेंगे हमेशा जिंदा रहेंगे वहां मौत भी नहीं आती बुढ़ापे भी नहीं आते अल्लाह के लिए गौर करना फिर इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सही बुखारी की रिवायत जन्नतियों का चेहरा जन्नत में जाने के बाद चांद की तरह चमकता हुआ होगा हाँ वहां पर कोई काला वहां पर कोई अलग ये कलर वो कलर कुछ भी नहीं सबके चेहरे कैसे होंगे चांद की तरह चमकते हुए होंगे खूबसूरत होंगे फिर वहां पर ना किसी को थूक ना किसी को नाक ना किसी को पेशाब ना किसी को पैखाना कुछ भी नहीं आ, कोई गंदगी नहीं है जन्नत में लो अकबर इतनी भी तकलीफ नहीं वहां पर के किसी को पैखाना नहीं किसी को पेशाब नहीं थूक भी नहीं आता हाँ फिर इतना बहुत खाते ना मोल साहब किधर जाना फिर कैसा हजम होना खूब खाने के बाद जन्नती खाली आ बोल के एक डकार निकालता पूरा हजम एक डकार से पूरा हजम हो जाता पेशाब नहीं पैखाना नहीं कोई गंदगी नहीं जन्नत में ये जन्नत की जिंदगी है मेरे भाईयों याद रखना अल्लाह के लिए गौर करना फिर सही बुखारी की रिवायत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जन्नत में सिर्फ बर्तन और कंगी जो भी इस्तेमाल करने की चीजें ये भी सोने चांदी की होती है कंगी भी सोने की समझ रहे ना सोने की कंगियों से बाल जमाना सोने के बर्तनों में खाना चांदी के बर्तनों में खाना ये जन्नत की जिंदगी है याद रखो और वहां पर पसीना भी बदबू नहीं आज मेहनत करके मस्जिद में आता बदबू आ रही रे भाई बोल इधर छोड़ के उधर जाते वहां बदबू भी, पसीने भी नहीं पसीने की भी बदबू नहीं अल्लाह के लिए गौर करना वहां पर क्या है पसीना भी खुशबू वाला होता यह जन्नत की जिंदगी है मेरे भाइयों फिर इसी तरह औरतें अच्छा वहां पर अल्लाह के लिए गौर करना अल्लाह ताला जैसा कि मैं बताया जन्नत में एक मर्द को दुनिया की दो बीवियों से दो औरतों से शादी उसके अलावा हूर अल्लाह तला अपनी मर्जी के मुताबिक उसकी मर्जी है जिसको जितना देना चाहे जन्नत के और वहां पर काम अल्लाह सिर्फ हर मर्द को इतनी खवत इतनी ताकत देगा कि वो जन्नत के कई औरतों के साथ बल्कि सौ सौ औरतों के पास जाने की खवत अल्लाह उस एक मर्द को देता है अल्लाह के लिए गौर करना अल्लाह के लिए गौर करना वहां पर सिर्फ खाना पीना मजे करना उसके अलावा दूसरा काम ही नहीं है याद रखो अब औरतों को क्या मिलेगा भाई औरत चाहती क्या है वो हमेशा खूबसूरत दिखना चाहती है खूबसूरत बनना चाहती है खूबसूरत रहना चाहती है सोना चांदी इसमें उसकी ख्वाहिश होती ना अल्लाह ताला भी जन्नत में उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसकी चीज़ें रख दिया कैसी चीजें जन्नती औरत अल्लाह के रसूल वसल्लम है फरमाते हैं अगर जन्नती औरत एक मरतबा दुनिया में यूं झांक के देखेगी ना एक मरतबा खाली हूँ ऐसा झांक के दुनिया में देखी तो मशरक से लेके मगरब तक पूरी दुनिया चमक जाती इतनी खूबसूरती जन्नती औरत यही औरत जो दुनिया में है अगर ये नेक कामाल करेगी अल्लाह को राजी करके जाएगी जब जन्नत में पहुंचेगी तो अल्लाह ताला उसको ऐसा हुसन देगा ऐसी खूबसूरती देता खाली झांक के देखे तो पूरी दुनिया चमकती फिर अल्लाह के रसूल वसल्लम फरमाते हैं फिर सिर्फ चमकना ही नहीं रोशन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया खुशबू से महक जाती है और जन्नती औरत का दुपट्टा सर पे जो ओढ़नी है ना वो जन्नती औरत का दुपट्टा अगर दुनिया में डाल दें पूरी दुनिया वाले मिलकर वो एक दुपट्टा खरीदने की ताकत नहीं रख सकते पूरी दुनिया का माल लुटा दो वो एक दुपट्टा नहीं खरीद सकते इतनी कीमती चीज उसके कपड़े होंगे अल्लाह के लिए गौर करना ये जन्नती औरत है फिर इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अब ये तो नेमतें हैं अगर जन्नत की नेमतों को हम देखते चले जाएं और सुनते चले जाएं बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन मैं मुख्तसर चंद चीज़ें आप लोगों के सामने रखा आप देखिए एक मरतबा गौर कीजिए ये सब चीजें मिली जन्नत में जाने के बाद हर चीज खाने की चीज मिली पीने की चीज मिली हाँ जरूरत थी बीवी -बी मिली औरत को मर्द मिला मर्द के लिए औरत मिली शादियां हो गई हर चीज जो दिल में आया वो सामने आ रहा जो दिल में आ रहा वो सामने आ रहा हर ख्वाहिश पूरी हो रही अब अल्लाह तला दिन पूछेंगे जन्नतियों से अये जन्नतियों अये मेरे बंदो क्या तुम्हें कोई चीज़ चाहिए गौर करना मेरे भाई इस हदीस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं देखिए अल्लाह की मोहब्बत कितनी है अल्लाह हमसे कितनी मोहब्बत करता याद रखो और करो अल्लाह तला पूछेंगे ये सब देने के बाद भी और भी कोई चीज चाहिए बंदा कहेगा अल्लाह सब कुछ दे दिया तू और जो मांग रहा हूं मैं वो मिल जा रहा जो दिमाग में ख्याल आया वो सामने रख दे रहा और क्या होना अब अल्लाह तला खुद याद दिलाएंगे अल्लाह तला खुद याद दिलाएंगे अरे मेरे बंदे फलान चीज भूल गया देख वो होना नहीं तुझे अल्लाह मैं तो भूल गया मेरे को आदिश नहीं है अल्लाह ठीक है ठीक है वो भी होना वो भी खाना दिल बोल रहा अच्छा वो भी चीज़ रख दिया और कुछ चीज़ अल्लाह ताला याद दिला दिलाकर उसको खिलाएंगे उसको वो चीज़ देंगे ये भी हो गया उसके बाद फिर अल्लाह तला पूछेंगे अरे मेरे बंदे और क्या होना है और क्या चाहिए बंदा बोलेगा अल्लाह जो चाहता हूँ वो सब कुछ मुझे मिल गया और क्या चाहिए मुझे तो अभी कुछ भी नहीं चाहिए अल्लाह तला अब कहेंगे अरे मेरे बंदे याद रख क्या तू मुझे देखना नहीं चाहता क्या मेरा दीदार नहीं चाहिए तुझे अल्लाह अकबर उस वक्त बंदा कहेगा अल्लाह मैं तो भूल ही गया अल्लाह मुझे याद ही नहीं है इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी अल्लाह जरूर मैं देखना चाहता हूं अल्लाह को आज तक ना किसी ने देखा ना क्यामत के दिन तक कोई अल्लाह को देख सकता है लेकिन सिर्फ जन्नतियों को यह मौका मिलने वाला है जन्नत में जाने के बाद अब अल्लाह अल्लाह तल्ला के अल्लाह ताला अपना पर्दा उठा देंगे उस वक़्त जन्नती लोग सब के सब अल्लाह ताला को देखेंगे सब के सब अल्लाह ताला को देखेंगे और जन्नत में मिलने वाली तमाम नेमतों से ज्यादा तमाम नेमतों को मिलने के बाद जो खुशी हुई उससे ज्यादा खुशी सबसे ज्यादा खुशी अब होगी जन्नतियों को अल्लाह को देखने के बाद अल्लाह का दीदार नसीब होगा अल्लाह के चेहरे को देखेंगे अल्लाह को देखेंगे ये सबसे बड़ी खुशी होगी मेरे भाइयों ये सिर्फ और सिर्फ जन्नती लोगों को होगी तो अब याद रखो चंद हदीसें अब ये सब चीजें अगर हासिल करना चाहते हो तो करने वाला काम क्या है ये भी आप लोगों के सामने रख दूं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक साहबी पूछते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बताइए जन्नत में जाने के लिए जहन्नम से बचने के लिए कोई अमल बता दीजिए मैं क्या करूँ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना कर और पांच टाइम की नमाज पढ़ता रह और इसी तरह जक़ात देते रह फिर इसी तरह रिश्तों को जोड़ते रहना जब ये काम तू दुनिया में पाबंदी के साथ करेगा सही मुस्लिम की रिवायत तुझे अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करेगा अल्लाह अकबर क्या करना भाई एक अल्लाह को मान लिए तो अब उस अल्लाह के साथ शरीक नहीं करना शिरक नहीं करना शिरक हम सब जानते हैं कई मरतबा सुने अब मैं तफसील से यहां पर बताने की जरूरत नहीं है शिरक मत करो फिर दूसरा काम क्या करना नहीं मल साहब शिरक नहीं कर रहा ना मैं अब मैं नहीं गया तो कौन जाता जन्नत में नहीं 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 जाता सिर्फ शिरक नहीं करने से जन्नत में नहीं जाता दूसरी शर्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए नमाज़ पढ़ना नमाज पढ़ना, ना पढ़ना जरूरी है नमाज नहीं पढ़ा नहीं मिलती जन्नत है खाली हम बैठ के अल्लाह जन्नत में इतनी अच्छी चीज़ें हैं कहते अल्लाह कब जाता कि क्या है कि कब देता कि क्या है कि सोचे तो नहीं मिलती पांच टाइम की नमाज पढ़ना जरूरी है नमाज के बगैर जन्नत नहीं मिलती याद रखो नमाज के बगैर जन्नत नहीं मिलती याद रखो फिर इसी तरह जक़ात अदा करना अगर है मुस्त फिर इसी तरह क्या है रिश्ते नातों को जोड़ के रखना फिर इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सही बुखारी की रिवायत मेरी उम्मत का हर आदमी जन्नत में जाएगा सिवाय उसके जिसने इनकार किया साहबा पूछे अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकार कौन करता जन्नत का जन्नत का इनकार भी कोई करता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में दाखिल हो गया और जिसने मेरी इताअत से मुंह मोड़ा वो इनकार कर दिया अल्लाह के रसूल की इतात इतात बोले तो क्या अल्लाह के रसूल का तरीक़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बतलाया हुआ तरीका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना इतात करना अल्लाह के रसूल की मेरे नबी कैसे थे मेरे नबी का चेहरा कैसा मेरे नबी की नमाज कैसी मेरे नबी का रोज़ा कैसा मेरे नबी का चलना फिरना उठना बैठना अखलाक कैसे मेरे नबी की शादियाँ कैसी मेरे नबी के घर बनाने का ये हर चीज अल्लाह के रसूल की इतात इतबा करो जन्नत में जाओ अगर इतबा इतात नहीं है न जी हमारे बड़े ऐसा करते थे न ये हमारे मुलसा एसज बताए हमारे फलां एसज बताए हम नबी के तरीके पे अमल नहीं करते तो फिर जन्नत में नहीं जाते याद रखो फिर इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नती औरत चार काम कर ले औरत के लिए जन्नत बड़ी आसान है चार काम करना है क्या है तोहहीद के बाद शिरक नहीं करते हुए पांच टाइम की नमाज पढ़ लेना रमज़ान के रोज़े रख लेना शोहर की खिदमत कर लेना अपने आप की हिफाजत जो ये चार काम कर लेती है औरत उसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो जन्नती है वो जन्नती है इब्ने हिब्बान की रिवायत फिर इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसुलरमाते है, है लोगो सलाम को फैलाओ याद रख लो मेरे भाइयों इस हदीस को सलाम को फैलाओ खाना खिलाओ लोग सो रहे हो तो उठ के नमाज पढ़ो सलामती के साथ जन्नत में चले जाओ अल्लाह अकबर याद रखो सिर्फ तीन आम आली हदीस में आए अगर जन्नत में जाना चाहते हो आए मुसलमानों याद रखो की रिवायत सबसे पहला काम क्या करना है सलाम को फैलाना कैसा हर जगह जब कभी भी हमारा मुसलमान भाई चाहे हम उसे जानते या नहीं जानते अगर वो नजर आया उसे सलाम करो घर वालों को सलाम करो मस्जिद में आए मस्जिद में सलाम करो नया आदमी आया उसे भी सलाम करो पुराना आदमी है उसे भी सलाम करो गांव वाला है महल्ले वाला है सब सलाम करो एक दूसरे को सलाम करते रहो लेकिन अफसोस अफसोस इस बात की है कि हम सलाम नहीं करते हैं हमारे को शरमाती सलाम करने नहीं शरमाती सलाम करे तो अम्मी को सलाम करके कितने साल हुआ कि याद भी नहीं है अम्मी को सलाम करके अच्छा अब नमाज पढ़े ना भाई या कभी किसी की कभी बाहर जाते गाँव को जाते मुझे बताओ यकीन से आप अपने आप से सवाल करो बताने की भी जरूरत नहीं है अपने दिल से सवाल करो घर में जाके घर में बीवी है बेगम को कभी सलाम करे अपनी बीवी को सलाम करे क्या मल साहब बीवी को सलाम कि शर्म जाती नहीं बीवी करना सलाम मेरे को मरद को बीवी करना मगर बीवी को भी कि मरद सलाम अल्ला अकबर हमारे माहौल में ऐसा हम बना के रख दिए बड़े को छोटा करना सलाम लेकिन छो, छोटे को बड़ा नहीं करता कभी सलाम छोटा करना हमेशा बड़े को सलाम अच्छा सास को भो करना सलाम लेकिन भौ को कभी सास सलाम करती नहीं ननंद भाभी को करना सलाम या भाभी ननंद को करना एक दूसरे को करना बड़ा छोटा ये हम बना के रख लिए मेरे भाइयों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में जाते बच्चे दिखे तो छोटे बच्चों को भी सलाम करते थे हम मस्जिद में आए तो भी सलाम नहीं करते मस्जिद में आए तो ऐसे सही खाम उछ आए कौन आया कब बैठा कब नमाज पढ़ा कब भाग गया किसी को मालूम भी नहीं मेरे भाई कम अज कम मस्जिद में आते हैं तो आवाज़ से सलाम करके आओ कोई यहाँ बैठा हुआ है सलाम करो अस्सलाम वालेकुम जोर से बोलो हाथ मिलाओ इमाम साहब को भी देखना पड़ता कभी कभी अरे गांव में आए मगर कौन तो भी सलाम करते कि नहीं करते कि यहाँ पर मुसलमाना कौन है कि कि नहीं की? नहीं की? ये भी नहीं भी भी मालूम मालूम होता होता कोई नया आदमी आया तो उसे भी नहीं होता। मैं सलाम करना कि नहीं कि क्योंकि वो शक्ल देख के भी नहीं पहचाने जाता ना चलो भाई अपन सलाम करेंगे बोले तो उन्हें मुसलमान है कि नहीं है कि बोलने के मेरे भाई सलाम जन्नत में लेके जाता अमल छोटा नहीं है बहुत बड़ा अमल है अल्लाह के रसूल रसुलरमाती सलाम फैलाओ ज़्यादा से ज्यादा सलाम करो बाप बेटे को सलाम करना बेटा बाप को सलाम करना बीवी जब भी घर में से बाहर निकल रहे सलाम करके बाहर जाओ जब भी घर में जाते सलाम करके जाओ एक एक सलाम पे तीस तीस निकिया मिल रही भाई क्यों छोड़ लेते ये वक्त ये मौका सलाम को फैलाओ इसकी वजह से जन्नत मिलेगा दूसरा खाना खिलाओ क्या करना है खाना खिलाओ मुसाफिर आया खाना खिलाओ गरीब आया खाना खिलाओ खाना दो अल्लाह के लिए गौर करना मेरे भाइयों ये बहुत बड़ा अमल है भूखे को खाना खिलाना गरीब को खाना खिलाना इसकी वजह से भी अल्लाह ताला जन्नत देंगे फिर इसी तरह लोग सो रहे हो तो उठ के नमाज पढ़ो मतलब क्या है इस हदीस का कौन सी नमाज लोग जब पढ़ने की नमाज कौन सी तहज्जुद की नमाज तहजुद की नमाज जन्नत में ले जाती याद रखो लोग सो रहे हो उठ के नमाज पढ़ो हम क्या करते लोग सो गए तो निकाल के मोबाइल देखते हमारे को ये आदत है सब सो जाने के बाद जाके चौरस्ते पे बैठ के मोबाइल देखते कोई बात नहीं सब सो जाने के बाद रातों को उठ के चैटिंग करते फेसबुक देखते गेम आग खेलते लेकिन लोग सो गए ना भाई कोई नहीं देख रहा बोल के नमाज भी पढ़े कभी हम क्या करते लोग सब नमाज पढ़े तो हम सोजाते हमारी आदत ऐसी है, है सब नमाज पढ़ना हम सो जाना नहीं तो नहीं कम अज कम मुल साहब को तो रख दिया ना मस्जिद में कई जगह ये हालत है मुल साहब पढ़ लेते नमाज मुल साहब को रखेगा नमाज पढ़ने के वास्ते से मुल साहब तुम नमाज पढ़ लो अजान दे लो हम सो जाते अल्लाह अल्ला के रसुल स्राथ 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 क्या फरमाते हैं जन्नत किसको मिलेगी लोग सो रहे हो उठ के नमाज पढ़ो इसकी वजह से जन्नत मिलने वाली है फिर इसी तरह अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, बीमारी पर सबर करने वाले को भी अल्लाह ताला जन्नत देंगे सही बुखारी की रिवायत बीमारियां आई शिकवे शिकायत नहीं करना अल्लाह हमारे कुछ कहीं को बीमारियां आए हमारे कुछ कहीं को तकलीफ आए हमारे बच्चे बीमार हो रहे हमारे कुछ नहीं शिकवा शिकायत नहीं अल्लाह की जात पर भरोसा रखो सबर करो इस सबर की वजह से भी अल्लाह जन्नत देगा फिर इसी तरह तीन नाबालिग बच्चे जिसके पैदा होकर मर जाते उस पर सबर करने वाली औरत को भी अल्लाह ताला जन्नत की दी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही मुस्लिम की रिवायत क्या एक बच्चा पैदा हुआ थोड़े दिन हुआ कि नहीं मर गया दूसरा पैदा हुआ वो भी मर गया तीसरे तीसरा पैदा हुआ बालिग होने से पहले दस साल का बच्चा बारह साल का बच्चा मर गया उस मरने के बाद भी अल्लाह तेरी मर्जी थी तू दिया तू ले लिया मेरे हाथों में क्या है अल्लाह की बनाई हुई तकदीर है समझ के सबर करने वाले को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो जन्नत में जाएगा हम सबर करते हमारे को हमारे घर में किसी को बीमारी भी नहीं आना किसी को खाली बुखार भी आए तो हम शिकवा करते शिकायतें करते परेशान होते टेंशन में आते आते बीमारियाँ आए तो नमाजा छोड़ देते हैं हम लोग नमाज पढ़ने वाले को भी नमाज याद नहीं रहता हॉस्पिटल में जाके कोई नमाज पढ़ता जी याद रखो मेरे भाई सोचो एक एक अमल पे हॉस्पिटल में जाने के बाद भी हमको क्या नमाज याद आती है हॉस्पिटल में बेड पे लेटा हुआ कोई नमाज पढ़ता है उसके पास जो आठ दिन उसको खाना खिलाने खिदमत करने के लिए जो हॉस्पिटल में रहते हमारी औरतें जाके रहती ना बच्चा बीमार हुए तो शरीक कर लिया जी हमारे बच्चे को शरीक कर लिया कितने दिन हुआ जी आठ दिन हुआ शरीक कर लिया आठ दिन एक तो भी नमाज पढ़े अम्मा अल्लाह के लिए गौर करना कहाँ है नमाज फिर कहा से कैसे जाते कहाँ सबर फिर हमारे पास कैसे जन्नत में जाते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते सल्लाते हाफिज को भी अल्लाह ताला जन्नत देगा लेकिन ये सब चीजें कब जिसकी जिंदगी में पहले तौहीद हो शिर्क ना हो उसके लिए है याद रखो फिर इसी तरह इल्म सीखने वालों के लिए भी अल्लाह ताला जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं दुनिया में जो इल्म सीखने के लिए रास्ता सफर तय करता अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देते आओ सीखो कुरान सीखो हदीस सीखो बार बार सीखने के लिए जितना तुम सफर करोगे इतना ज्यादा अल्लाह ताला तुम्हारे लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं फिर इसी तरह मुस्न अहमद की रिवायत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती है औरत के ताल्लुक से जब पूछा गया एक औरत है जो दिन को रोज़ा रखती है रात को नमाज पढ़ती है लेकिन उसके पड़ोसी उसके अखलाक की वजह से बहुत नाराज़ है बहुत डिस्टर्ब है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वो औरत जन्नत में नहीं जाती कौन नमाज है रोजा है लेकिन क्या है अखलाक अच्छे नहीं है पड़ोसी हमेशा परेशान अबाई हमेशा गालियां देते रहते इन्हें हमेशा क्या है सताते रहती पड़ोसियों को गालियां देते रहते ऐसे लोग भी जन्नत में नहीं जाते अच्छे अखलाक होना जरूरी है फिर इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बेहि की रिवायत जो जिसम हराम माल से पला वो भी जन्नत में नहीं जाता हाँ कितनी नमाजें पढ़ लो कितने रोजे रख लो फाइनेंस के कारोबार बैंक में सूद लेना देना छिट्टिया का सूद ये सूदी कारोबार करने वाले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जन्नत में नहीं जाता वो जिसम जो हराम माल से पला हुआ हो याद रखो फिर इसी तरह तीन आदमी जन्नत में नहीं जाएंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वालिदेन का नाफरमान माँ बाप को सताने वाला फिर दूसरा दयूस तीसरा औरत की शक्ल इख्तियार करने वाला मर्द या मर्द की शक्ल इख्तियार करने वाली आुरत। आुरत के जैसा बनने की कोशिश करना औरतों की मुशाबिहत करने वाला मर्द कान में बालिया गले में चैन पीछे चोटी औरत के जैसा बनने की कोशिश करने वाला मर्द जन्नत में नहीं जाता मर्द के जैसा बनने वाली औरत भी जीन पैंट टी शर्ट ये वो फैशन अब बहुत सारी चीजें हैं अगर समझाए तो समझ जाओ फिर इसी तरह दयूस भी नहीं जाता जन्नत में वो अल्लाह के रसुल दयूस कौन तुम्हारी घर की औरतें तुम्हारी बात नहीं चलती नहीं सुनती तुम दयूस हो फिर तुम्हारे घर में तुम्हारी नहीं चलती तुम्हारी औरत की चलती औरत बोले जैसा तुम सुनते लेकिन तुम्हारी औरत फैशन कर रही तुम्हारी औरत बेपर्दा घूम रही तुम्हारी औरत नहीं बोले जगह रसम में जा रही तुम्हारी औरत कर रही चुगली कर रही तुम बोलने के बाद भी नहीं सुन रही तुम खामोश बैठे आए जाने दे उसका काम उन्हें कर लेती मेरा काम मैं कर लेती तुम दयूस हो ऐसा दयूस जन्नत में नहीं जाता याद रखो ये चंद चीज़ें थी मेरे भाई और कुरान की रोशनी में आप लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहा था अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तोफ़ी अता फरमा हम सबको जन्नतलफरदो में जगह आता फ़मा वाखिर